हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर में मजे से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं, आप उनको कमेंट्स करके ज़रूर शेयर किया करें। चाहे आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, आप लिख के ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता लगे। और फिर चलते हैं अपनी किचन की ओर और आज की भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में एकदम आसानी से और वो भी बहुत ही कम सामान के साथ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर वाटर या पानी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 लेमन के स्लाइस लिए हैं। पहले आप अच्छे से इसको धो लें और फिर ऐसे आप इनको पतला पतला स्लाइस में कट कर लें और सीड्स आपने इनके निकाल देने हैं। लेमन तो आपको जैसे पता है इम्यूनिटी एकदम बूस्ट करता है और विटामिन सी का तो ये एकदम ग्रेट सोर्स है। इसमें बहुत ही भरपूर विटामिन सी होता है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है लेमन, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। और साथ ही यहाँ पे आप देखिए हमने अदरक ली है, इसको एकदम ऐसे बारीक बारीक ऐसे कट किया हुआ है लंबाई में। कैसे भी आप कट कर लें ऐसे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने आफ्टरऑल ये सारी चीज़ें पानी में ही डालनी है। 1 इंच अदरक का हमने टुकड़ा लिया था, उसको हमने ऐसे कट कर लिया। और अदरक भी आपको पता है कोल्ड और फ्लू के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। अगर आपको नोज़िया है, मतलब जैसे आपको लग रहा है कि रनिंग नोज़ हो रहा है, तो उसमें भी आपको अदरक बहुत ही फ़ायदा करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 10 के करीब अजवाइन के दाने लिए हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालने। अजवाइन आपको पता है इनडाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो कहते भी हैं अजवाइन वाला पानी ले लो या अजवाइन चबा लो पानी के साथ। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है और ब्लड प्रेशर को भी ये कम करने में काम आता है। तो बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जैसे आपका बढ़ा हुआ है उसको भी मेनटेन करने में हेल्प करता है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं, 12 के करीब हमने पत्ते लिए हैं। इनको भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। और पुदीने में भी आपको पता है एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोई भी आपको वायरल का इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरिया आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें ये हेल्प करता है, या कोल्ड और फ्लू हो गया उसमें भी आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कितनी फ़ायदेमंद हो जाएंगी अगर एक साथ मिल जाएंगी पानी में, आपको कितना ये हेल्पफुल रहेगा। वेट भी कम करने में आपको ये हेल्प करेगा पानी, और आपको एकदम फिट रखेगा। तो चलिए आगे अब बनाते हैं पानी को। अब आगे आप देखिए हमने पैन में 1 लीटर पानी लिया है। जो ही हम सारी प्रोपोर्शन बता रहे हैं 1 लीटर पानी के हिसाब से ही बता रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दें। फ्लेम ऑन कर देते हैं अभी और ये सारी चीज़ें पानी में डाल देते हैं। और इसमें एक अच्छा बॉयल आने का हमने वेट करना है। तो फ्लेम मीडियम हमने करी हुई है और इसमें एक अच्छा बॉयल आने का वेट करते हैं। इस टाइम पे आप देखिए पानी में अच्छा बॉयल आ गया। हम फ्लेम अभी लो कर देंगे और इसको 5 मिनट हमने लो फ्लेम पे कुक करना है, जिससे सारे फ्लेवर्स अच्छे से पानी में आ जाएंगे और इनके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आ जाएंगे पानी में। फिर आपको मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट्स हो गए ये सारी चीज़ों को पानी के साथ कुक होते हुए। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा हमने नहीं इसको कुक करना। और इसको एक जाली से ढक देंगे, कोई ढक्कन आप ना लगाएं, ऐसे जाली ही लगाएं, नहीं तो स्टीम बन जाएगी इसमें। और इसको हमने रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा आपने छन्नी से छान के इसको एक जग में डाल के रख लेना है। फिर जब भी आपने पानी पीना है यही पानी पीना है, नॉर्मल पानी के बदले आप यही पानी पिए। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपको एक दिन में 6 ग्लास पानी पीना चाहिए कम से कम। तो आप नॉर्मल पानी के बदले यही पानी पिए। और आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि इसको आपने रेफ्रिजरेट करके नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे ही रखना है आपने, और रूम टेम्परेचर वाला पानी ही पीना है। और आप इसको पियेंगे कुछ दिन में आपको खुद ही फ़र्क लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप भी ऐसे ये पानी को बना के रखें और घर में सबको बना के दें, वो खुद भी लें और साथ में डाइट भी आप हेल्दी रखें अपनी। चलिए फिर आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।